कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है तो मेहनत करो, मेहनत, मेरा मुंह मत ताको तुम, समझे? इडियट, इडियट तू है, काहे का मेहनत, पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग सभी हो। आप सभी ने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कई जगहों पे अलग अलग वीडियोस देखी होंगी। आपको सब अलग अलग तरीके से बताते होंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से बनता है, कब बनता है तो कब हमें शेयर खरीदना चाहिए, कब बनता है तो हमें ट्रेड लेनी चाहिए। तो आपको टोटल मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तो फर्स्ट हमारी यहाँ पे आ जाती है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल कब बनती है ये मैं आपको बता देता हूँ। हैमर कैंडल कैसे आपको पता चलेगा कि हैमर कैंडल है? हैमर कैंडल की हमेशा लॉन्ग विक रहेगी और बॉडी छोटी सी रहेगी। ये चाहे ग्रीन बने चाहे रेड बने, आपकी ये हैमर ही रहेगी। जब डाउन ट्रेंड के बाद इस तरीके का कैंडल बनता है तो यानी कि बायर्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और हमारी मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखना है और चार्ट पैटर्न्स को भी आपको ध्यान में रखना, तभी आपका लॉस बिल्कुल नहीं होगा। अगली कैंडल है हमारे यहाँ पे मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कैंडल का मतलब क्या है? मॉर्निंग स्टार यानी कि मॉर्निंग मतलब राइज होना, यानी कि मार्केट अप जाएगी। जब हमारा डाउन ट्रेंड के बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है, उसके साथ में एक बड़ी सी हमारी ग्रीन कैंडल बनती है, तो यानी कि मार्केट अब हमारी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकती है और आप इसको परचेस कर सकते हो, यानी कि ट्रेड कर सकते हो यहाँ पर, और आप खूब सारा पैसा यहाँ पर कमा सकते हो। मॉर्निंग स्टार हमेशा बुलिश कैंडल होती है, हमारी मार्केट अप जाती है। लेकिन इसके साथ आपको फिर बता दें चार्ट पैटर्न का ध्यान रखना है। कैंडल हमारी यहाँ पर आ जाती है थ्री वाइट सोल्जर्स। थ्री वाइट सोल्जर्स आपको पढ़ के एक पॉजिटिव टाइप का फील आ रहा होगा, यानी कि मार्केट हमारी अप जा सकती है। ये हमारा बुलिश रिवर्सल कैंडल होता है, इसमें हमारा मार्केट अप जाती हुई दिखती है और जब ये हमारा बनता है तो मार्केट हमारी बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। पहली कैंडल हमारी, हम दूसरी कैंडल हमेशा हमारी पहली कैंडल के हाई प्राइस पे जाके क्लोज होता है और हमारा जब भी ये डाउन ट्रेंड आता है तो यानी कि हमारे डाउन में या फिर हमारे सपोर्ट लेवल पे कैंडल हमारी बनती है। और हमारा जब तीसरी कैंडल हमारी बन जाती है, उसके बाद चौथी हमारी कैंडल बनती है, तब हमें एंट्री लेनी है। अगली कैंडल हमारी यहाँ पर आती है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ये कैंडल हमेशा हमारी डाउन ट्रेंड के बाद ही फॉर्म होती है और इसमें आपको दो से तीन बातों का हमेशा ध्यान रखना है। इसमें आपको स्टॉप लॉस हमेशा रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल के नीचे ही लगाना है और आपको सजेस्टेड प्राइस जो होता है आपका हमेशा बुल के बुलिश कैंडल के क्लोज प्राइस पे ही होता है। और ये कैंडल जब हमारी फॉर्म होती है, कब फॉर्म होती है? डाउन ट्रेंड के बाद ही फॉर्म होती है। रेड कलर की कैंडल बनती है, उसके साथ हमारी ग्रीन कलर की बड़ी सी कैंडल बनती है जो हमारी रेड कलर की कैंडल को एंगल्फ कर जाती है, खा जाती है, तब आपको ध्यान रखना है। अगली कैंडल हमारी यहाँ पे आ जाती है थ्री लाइन स्ट्राइक कैंडल। कैंडल हमारी इस चीज़ को दर्शाती है कि मार्केट हमारी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। इसमें हमारी बड़ी सी ग्रीन रेड कैंडल बनती है, इसमें मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आती है। उसके साथ में अगर एक आपकी ग्रीन कैंडल बनती है तब आपको एंट्री लेना, मार्केट तब बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा सकती है, तब आपको एंट्री लेना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है। कैंडल हमारी यहाँ पर आ जाती है थ्री इनसाइड अप कैंडल। ये कैंडल हमारी कब फॉर्मेशन होती है? जब एक बहुत बड़ी सी गिरावट आती है हमारी मार्केट में, डाउन ट्रेंड आता है और उसके बाद हमारी बड़ी सी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है और उसके साथ में हमारी एक ग्रीन कैंडल बनती है रेड कैंडल के 50% पार्ट तक, और तीसरी कैंडल हमारी बनती है रेड कैंडल के 50% पार्ट से शुरू होती है, 100% पार्ट को क्रॉस कर जाती है। इस चीज़ से पता लगता है कि हमारी थ्री इनसाइड अप कैंडल है, यानी कि मार्केट अब अप ट्रेंड फॉलो करेगी। अगली कैंडल हमारी यहाँ पर आ जाती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये कैंडल हमेशा आपका सपोर्ट पर बनता है और इस चीज़ से पता लगता है कि बायर्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। जब इस कैंडल को कोई अगली कैंडल ब्रेक कर दे तब आपको मार्केट में एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस हमेशा आपको इसके सपोर्ट के नीचे लगाना है और टारगेट हमेशा स्टॉप लॉस का आपका डबल होना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल है हमारी यहाँ पे पियर्सिंग लाइन पैटर्न कैंडल। ये कैंडल हमेशा हमारी दो कैंडल के फॉर्मेशन से बनता है। फर्स्ट होती है हमारी रेड कैंडल, सेकंड होती है हमारी ग्रीन कैंडल। सेकंड कैंडल हमारी फर्स्ट कैंडल से 50% गैप डाउन पे बनता है और ये कैंडल जब हमारा बनता है तो बुलिश रिवर्सल कैंडल हमारी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बुलिश रिवर्सल हमारा स्टार्ट हो जाता है, मार्केट अब हमारी बहुत ही ज़्यादा अप जा सकती है, तब आप यहाँ पर इसको परचेस कर सकते हो। मोस्टली टाइम ये जो हमारा कैंडल है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बनता है, सपोर्ट लाइन पर बनता है, तो आपको इस चीज़ को चेक कर लेना। कई बार ये ऊपर बन जाता है लेकिन मोस्टली सपोर्ट लाइन पर बनता है। ब्लैक मार्बूजो कैंडल हमारी एक बुलिश कैंडल होती है जिसमें हमें पता लगता है कि मार्केट अब अप ट्रेंड को फॉलो करेगी। इसमें आपको बाय कहाँ करना है? इसमें आपको हाई प्राइस पे आपको बाय करना है और इसके लो पे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। अगर आपको वीडियो हमें हमारी थोड़ी सी मेहनत दिखी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करते जाना।